हेलो नमस्कार मु स्मृतिश्री आपन को स्वागत करूची आर्गस प्रेजेंट स्वाद ओडिसा विथ स्मृतिश्री सिंह को आमे शो रे बनाऊ ओडिसा रो किछि ट्रेडिशनल आ फ्यूजन रेसिपीज आ देखा कराओ किछि अतिथि मानक सहित तेबे फ्रेंड्स आपन माने जानि छथि कि कुकिंग खाली गोटे पैशन नुहे जहा कि हमर भोको मेंटाए किंतु एहा हमर लाइफ को भी बदले दिए। हाँ हमर बहुत ही रिनाउंड शेफ गॉर्डन रामसे एमिति ही किछि पाई थिले जाई थिले गोटे जेल को आ देखा करै थिले किछि कैदी को सेठी से जाने को पाई थिले जणे कैदी तांकर टोपी स्पीड रे पियाज खाटे आ ता परे जहा हैला गॉर्डन रामसे कहले मु कंपटीशन करबी आ हैला गोटे कंपटीशन से कैदी आ गॉर्डन रामसे को भितरे आपण माने भी भाबुथिले ना किए जितिबो बोली कैदी जणक जितिले गॉर्डन रामसी एते खुशी हे गले से जेल रो कर्मचारी को कही कैदी बाहरिबा देनो ताकू जॉब दे देले। हाँ से गॉर्डन रामसी को रेस्टोरेंट रे जॉब करिले एज अ शेफ। तेबे मु कहितली ना कुकिंग खाली पैशन नुहे एहा हम जीवन को बदले भी देथाय। तेबे एमिदे आमे किछे मजा मजा कथा हबा किंतु ता पूर्वरु मु आजिर अतिथि को डाकेबी आमर एही शो आर्गस प्रेजेंट स्वाद ओडिसा विथ स्मृतिश्री सिंह को। तेबे आपण माने बे आज एक्साइटेड थिबे आमो ई एपिसोड रो सेलिब्रिटी गेस्ट किए। हां तांकर आवाज तो बहुत सुरीला आ हमो मॉर्निंग भी स्टार्ट हुए किंतु आज से आछंदी आमो शो को आमो सह देखा करिया पई। तो लेट्स वेलकम द वेरी टैलेंटेड वेरी गॉर्जियस आमो भुवनेश्वर रो रानी आरजे स्मिता। आरजे स्मिता ब्रह्मपुर रे जन्म ग्रहण करी से लालित पालित होई बड़ी चंती। से जणे शिक्षिता झियो से केबे भाबी नथिले जे निज मधुर कंठ द्वारा अगणित लोकंक हृदय जीति पारिबे। जदियो स्मितांक आग्रह आरंभरु कला प्रदर्शन रे थिला स्मितांक मां चाहुथिले से डॉक्टर होवंतु किंतु स्मिता पाणिग्राही एंकरिंग को ही निजर प्रथम पसंद भाबरे बाचि नेले एवं स्कूल टाइम रु ही से स्टेज एंकरिंग एवं टीवी शोज आरंभ करि देले। कॉलेज परे स्मितांकु टीवी चैनल रे एंकरिंग करिबा पई ऑफर आसिला एवं स्मिता सेठारे मध्य देखाई देले जे लाइव शोज हेउ बा टेलीविजन एंकरिंग स्मिता प्रत्येक जगारे निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि हि दियंती। स्मिता आरजे माने रेडियो जकीर भूमिका मध्य बहुत भल भावे तुलाइले एवं किछि समय मध्य रे से रेडियो जगतर एक उज्ज्वल तारका होइ गले। तो स्मिता दीदी तमे बहुत सारा लोकंकर चिन्हा जणा गोटे वॉइस ए सरलणी लोक माने मॉर्निंग रु निजर दिन आरंभ करजने केमिति फील होए सेटा बहुत बढ़िया फील हुए आ सबुदिन मते यू नो सेम एनर्जी सहित आसिया को पड़े सखाळु सखाळु चाहे मो माइंड रे जहाँ भी चालू था कि मो देह जेमती भी था बट सखाळु सखाळु मते आसे कि समस्त को से एनर्जी टा ट्रांसफर करियार थाए। सो आई फील गुड कि समस्ते मो सहित निज मॉर्निंग को आरंभ करती एंड मु सबुबेले एया ही विश आ होप करे सबुदिन सखाळे कि सेमानक दिन बहुत भल हो जे जो काम पई जाउछे सेटा हे जाउ। तो तमे तो करियर स्टार्ट करलो किंतु मु समस्त को देखी छी कि लोक माने रेडियो रु टेलीविजन को जानते हो तुम्हें टेलीविजन दुनिया रु आसी कि रेडियो रे पहुंचिलो ए ट्रांजिशन टा केमती हला होबे केमती लागु छी। सो समस्ते ना रेडियो रु टीवी को जानती बट कोठी लिखा है नहीं कि किछि जरूरी नहुए को प्रोटोकॉल रे नहीं कि टीवी रु जने रेडियो को आसी पारिबोनी। मते जतले लागिला कि मते गोटे परमानेंट जॉब दरकार कि परमानेंटली मो टाइम टा सेठी स्पेंड करिया पे चाहूची मु टीवी छाड़े कि रेडियो रे जॉइन कली केवल आवाज रे निजो कथा रे निजो कंटेंट रे लोकों को हुक करी कि रखिया को पड़े। हाँ तो आमे तो इतने सारा कथा वार्ता हेले किंतु तमे आसी छ स्वाद ओडिसा को आ जेमते कि मु कहली आमर एठी आमर अतिथि गोटे डिश बनांती आ तांकु मु गोटे डिश बनाए। ओके तो कौन बनेबा हम पे आज। सो स्मृति जेमती तुम जाच कि बिलोंग करुच्ची ब्रह्मपुर को आम बनवा टमाटो चारु ठीक आई होप यू लाइक इट ऑफ कोर्स आ जदी स्मृतिश्री मोर रोसे रे फिदा है जबे आई थिंक समस्त फिदा है जबे आई विल ओनली हैव टू इम्प्रेस हर।
ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି ବିକଜ୍ ବରହମପୁର ସାଇଟ୍ ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ କନେକ୍ଟେଡ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଥ୍ରୁ ୟୁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବି ହେଇଯିବି। ତ ମାନେ ଟମାଟୋ ଚାରୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି? ଅଫକୋର୍ସ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଡ଼େଇ ନେବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି ତୁମକୁ ଯାହା ବି କହିବ। ସୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ବଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ପକେଇକି, ସୋ ଦାଟ୍ ସେଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ସ୍ମାଶ୍ କରିପାରିବା ପରେ, ବିକଜ୍ ଯଦି ବଏଲ୍ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ଭଲସେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମାଶ୍ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ତେଲ ଫେଲ କିଛି ଦରକାର ନା? ଓକେ, ନିଅ ଟମାଟୋ ମେଟୁ। ୟେସ୍, ଆଣ୍ଡ ଆମକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦରକାର। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତମେ କ'ଣ ତମ ମମିଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛ? ମୋ ମମି ଗୋଟେ ଭଲ କୁକ୍, ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କୁକ୍ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ପାଇଁ କରିଦେଇପାରିବି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ବନାନ୍ତି, ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଏଇଟା ପାଣି ଦରକାର? ୟେସ୍, ଆମକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଦେଇପାରିବା ବିକଜ୍ ସେଇ ପାଣିଟା ଆମେ ଚାରୁ ପାଣିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ତମର କରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲ ଆର୍ଜେ ହିସାବରେ, ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା। ତମେ ଜାଣିଲ କେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଜେଇଂ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ମୋର କରିୟର ଗଢ଼ିପାରିବି, ୟା ଫିର୍ କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଲି ମୋ କରିୟରଟା ଆର୍ଜେ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଲି ନିଜର କରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆଙ୍କର। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ମୁଁ ମୋର ଆଙ୍କରିଂ ସାରିଦେଇଛି, ସବୁ ଲୋକାଲ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ। ତ ମୁଁ 2010 ରେଡ଼ିଓ ଜଏନ୍ କଲି, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ବି ମୋର ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି। ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଇରା ମହାନ୍ତି ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଭେରି ଫେମସ୍ ସିଙ୍ଗର। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ଆର୍ଜେ ମେଟେରିଆଲ, ତୁ ଆର୍ଜେ ହବୁ, ଆଉ ତୋର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ନେବି, ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମତଲବ ଅଛୁ ହିଁ, ବସ୍ ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଶୋ କର। ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେତେବେଳେ, ସି ୱାଜ୍ ହେଡ଼ିଂ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ପାଖରେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟିଭି କରୁଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବା? ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ପୁରା କଥା ଭୋଳରେ ଭୋଳି ଯାଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିଲେ କିଏ ବି ଭୋଳ ନ ହେଇଯିବ। ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି, ଚାମଚ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଓକେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ, ଯାହାକୁ ଟିକେ ରାଗ ଦରକାର ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ପକେଇ ପାରିବେ, ଯାହାକୁ କମ୍ ରାଗ ଦରକାର ସେ କମ୍ ପକେଇବେ। ରୋଷେଇବାସ ପ୍ରତି ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରି ରହୁଥିବ, କାମ କରୁଥିଲ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକି କି ଆକୁ କିଛି ରୋଷେଇ ଆସୁନଥିବ, ବଟ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଅ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ ଆସେ ବିକଜ୍ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଗୁଡ଼। ବଟ୍ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ୟୁ ନୋ ପ୍ରେସରରେ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଏ ମୁଁ ରୋଷେଇ ହିଁ କରେ, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବନାଏ। ତ ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଷ୍ଟର ହେଉଛି ରୋଷେଇ? ୟେସ୍। ୱା, ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଟେମ୍ପରିଂଟା ତମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ତା ପାଇଁ ତେଲ ନା ଘିଅ ଦରକାର? ତେଲ ଦରକାର, ଘିଅ ୟୁଜ୍ ହେବନି ଏଥିରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆପଣ ଚାରୁ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ତେଲ ପକେଇବେ, ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ବହୁତ ମିନିମମ୍ ତେଲ ପଡ଼େ, ବହୁତ ହିଁ ମିନିମମ୍ ତେଲ ପଡ଼େ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ବି ପକେଇଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କି କେଉଁ କେଉଁ ଟମାଟୋ ଖଟା ଥାଏ ତ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଛି କି ଚିନି ସହିତ ଲୁଣ ପଡ଼େ, ଲୁଣ ସହିତ ଚିନି ପଡ଼େ, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ର ହିଁ ବାଲାନ୍ସ। କରେକ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଅଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ହଁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ରସୁଣ ବି ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ କୁଟିଦେବି ଯଦି କହିବ। ହଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରସୁଣ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ରସୁଣ ପକେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ସେମାନେ ହିଙ୍ଗୁରେ ବି କାମ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ବିକଜ୍ ଜେନେରାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କରେ ହିଙ୍ଗୁ ପକାଉ ନା ତାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ରସୁଣ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଙ୍ଗୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଣ୍ଟି କେତେ କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇକି ତମକୁ ଛୁଆଦିନେ ଦେଉଥିଲେ? ତମେ ଯେମିତି କହିଲ କି ଆଣ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟୋରୀ କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରେନି,
डरी गले किए जाने हाँ ये जो छिटकारु मु भाबुछि समस्त डरुथुबे मोर त हाथ रे ओ दाग नै देखु ना सेले फुल स्लीप पिन दिखि बुलछिबो तो भुर्सुमा पत्र जेतले पड़े सेतले निहाती रूप एंड भुर्सुमा पत्र गोटे एमती इंग्रेडिएंट आमरो साउथ इंडियन फूड रे बहुत देसी यूज होए अदर हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत अच्छा हां हां एटा मैं आई कैन ढाले हां हां बंद कर दबा एटा ओके सो यस वाह केमती बासना होची बहुत ही बढ़िया आखिर हमें आप टिक्के पानी दे पारिबा हम दे दो छे कारण पानी त नहले मरी गलेने धीरे धीरे कई ना से जो टमाटो बॉईल हेची हां हां यस डन आउ जेमती स्मृति श्री को टिके बेसी खट्टा खाया को इच्छा होउची बधे सेति पई से ऑलरेडी एटा को तेंतुली को रेडी करी रखी चंती मु टिके पके मते एक्चुअली चारु पानी तेंतुली वाला बहुत भल लागे तो मु कहली से टमाटर वाला करन चाकरन मु सेट टिके तेंतुली कहबे ऐड कर देबे खाइबी तो मु ही ना या एंड तंको भी इंप्रेस करया रछ तो सीजा चाउचन सेटा तो करे पड़बो मते कोन दमे इंप्रेस करबा आई एम ऑलरेडी इंप्रेस्ड तो एटा अमर जति के भितरे टिके फुटी आउची आपण माने देखि नियंत गोटे छोटिया रिकैप टमाटो चारु तयारी करबा पई सर्वप्रथमे गोटे पैन रे 2 रु 3 टी कोटा होइथिबा टमाटो प्राय 1.5 चामच लुणो आधा चामच चीनी एवं सेथिरे अल्प पानी पकाई 10 मिनिट पई भलो भाबे सिझाई दियंतु वर्तमान सेथिरे अल्प हळदी स्वाद अनुसार लंका गुंड पकांतु एवं 5 रु 7 मिनिट पई सिझिबा को दियंतु एबे अन्य गोटे पैन रे 2 चामच तेल गरम करी सेथिरे पंच फुटण 2 रु 3 टी कोला रसुण छेची पकांतु एवं भृसंग पत्र पकाई भलो भाबे छुंको तयारी करंतु एवं टमाटो चारु रे मिसाई दियंतु परे सेथिरे अल्प पानी एवं तेंतुली पेस्ट मिसाई 5 रु 10 मिनिट पर्यंत फुटाई दियंतु वर्तमान प्रस्तुत टमाटो चारु को गरम गरम सर्व करंतु मु त एटा जेतबल टु छुंको मराई छे सेतबल टु पागल भळे हे के अननी छे केतबल सरियो केतबल सरियो तथे मु खाई दिए देह डडे भल लंदला ओह म घर को निक जेबी तमे शोटा कर आज मु जाऊ छी एटा घर को धरी के बडे बडे ओपनिंग तमे मारी दउ छ तमे कर मु जाऊ छी रियली एते भल होई छी एक्चुअली बहुत बढ़िया आई छी मु एटा बसी के एबे साइड रे खाइबी आमे तो पी देलु बहुत सारा टमाटर चारु आ मु एबे पूरा रेडी अछि तमको भी किछि दक्षिण ओडिसा रा जिंस खुएबा पई दक्षिण ओडिसा रा जिंस हां अच्छा कोन सेटा ते आज तम पई बनेबी मिलेट रा चकुली ता सहित पीनट रा चटनी ओ ओ वाओ तो बहुत ही इजी रेसिपी हमरा सेटा मते टिके तमरा हेल्प दरकार कोन करबी कहो मोर खाली गोटे बोल टे दियो गोटे बैटर टे बनेबार अछि हमको मांडिया जोटा कि हमरा मिलेट ओडिसा रे 18 रु 20 प्रकार रो मिलेट आमरी ओडिसा रे मिले एग्जैक्टली आपन माने जानि छंती कि तो एई मिलेट रे मु नै छि हमरा मांडिया आ मांडिया रो एटा पाउडर जोटा कि मार्केट रे इजीली मिलु छि नहले जदी आपन डायरेक्ट मांडिया आनबे ताको टिके पानी रे बतरे कि आपन गोटे बैटर टे बनै पारिबे मु बाबू जी मांडिया प्राय तो समस्तन को घरे रुहे कोडी ना कोडी जो हमर कंचा मांडिया सेटा रुहे समस्त ताको सखाळ फुटे कि खांती आमे दही पकेबा एटा बहुत इंस्टेंट चॉकलेट टा एक्चुअली तो आमे सेटा दही पकेबा दही टा हेल्प करिबा हमर फर्मेंट करिबारे ओके एंड सेटरे टिके टेस्ट पाए आमे पकेबा प्याज तो एतरे आ किछि माने तरकारी किछि सांबर हला किछि भी दरकार नहीं आउ अल्प टिके पकेबा लंका चॉप लंका तमको जत्ते के दरकार आ मु पकेबी टिके अदा आउ पकेबा टिके धनिया पत्र को चॉप करके बिना धनिया पत्र रे मोर माने किछि भी खाद्य पूरण होए नी से धनिया पत्र से रेसिपी रे थाउ न थाउ मु धनिया पत्र को पके ही दे सेटा हूँ गोटे मैजिकल इनग्रीडियंट कहवाक गले आईटे आम पकेबा टिके भेरसुंगा पत्र को चुनचुन का टिके तो याकू आम बैटर को दुई दिन काल फ्रिज रे भी रखिपर सका उठल तर 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 हो जाऊँच दीटा पिठा रियली रेकमेंडेड कारण आप जल्दी जल्दी था स्मृतिश्री रेसीपी आप बनई पारे
बहुजन मते कहिछन्ति कि आमर जो मांडियाटा अछि सेटा आमर ग्लूटेन नथाय तेणु आपण गोटे चामच पाखापाखि चाउल गुंड पके पारिबे ताकु टिके बाइन दबा पे रहला कथा जदि अति तरतरे अछन्ति सोडा पूरा पिंच मु जस्ट टिके पके देले बिकज आमे सांगे सांगे एटा गोळेकि करिबा आउ तमे टिके मते हेल्प कर दबो पानी टिके पके कि ताकु टिके गोळे केते पानी पकेबार अछि पक्का मु कहि दउ छी बस आमे टिके देखिबा एर कंसिस्टेंसी टा केमति हेइ जाउ छी वाओ इबेठु ही बासना एते भलो हलानी ऑफ कोर्स आमे जो पियाज धनिया पत्र अदा सब पके छे तार फ्लेवर टा एकदम आसुची हाँ आउ एटा आमर बैटर टा रेडी भी हेइ गलानी आउ टी पानी दबा आमे तो एतिके सब जिंस भितरे तमे तो देखिदले क्विकली आमर बैटर भी रेडी गला बट तुमर एते जो प्रोफेशनल लाइफ अछि तमे आरजेइंग करूछ ए भितरे तमरो सब बेस्ट मोमेंट कोटा थिला जेतेबेले मते कोनोसी भी लिसनर जे मते कहंती कि मु सकाळ उठिकी तमको सुणे एंड आमरो निहाती रूपे आमको सुनिया पे भलो लागे सेटा ही मो बेस्ट मोमेंट थाए एंड ऑफ कोर्स दैट गिव्स मी अ किक कि मु नेक्स्ट डे टाइम रे आसी कि शो करबे आउरी एनकरेज करे भलो जिंस त समस्तंको एनकरेज करे किंतु एमते किछि खराब जिंस होय छ जोटे कि तमे डाउनफॉल हेइ छ भांगी जाय छ एंड वापस उठिकी आज पूणी जोटी ठिया हे छ ठिया हे छ आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन तो मु निजो को ही मोटिवेट करे एंड आगो को बढ़े तो सेति के भितरे हमरा बैटर रेडी जाय छी मु ता से तो गरम हो जाय छी हां आ मु तुमको देबे ता से तो गोटे पीनट आउ बुटर डाली रो चटनी लवली पीनट चटनी मो हस्बैंड को फेवरेट तो मोर भी मु तो बनाए किंतु आज स्मृति से केमति बनाउछन से सिखी के घरे जाई बनेबे तो जेमति के हमर बादाम ता रोस्ट हे गलानी आ बादाम रोस्ट कला बेले को बहुत जन को करनते ना तेल रे डायरेक्टली माने बादाम ता पके दियंती तो भितर टा कंचा रही जाय थे आ बाहर टा रोस्ट हे जाय तो मु ताको टिके ड्राई रोस्ट करे आ तापर तेल टा पके सेति के भितर मै इतरे टिके तेल पकेबी ताकि सेठे मु टिके जीरा टिके भेरसुंगा पत्र मते एटु बहुत डर लागे सुखिला लंका जी जति के स्पाइसी खाइबो मु गोटिए कंचा लंका पकोउ छी याकु देकी मु ताकु टिके भाजी देबे टिके समय बस आ एट रे पड़िबो किछिटा रसुण ओके एटा होछि मोर तो खाद्य रे टिके रसुण रो यूज बेसी रसुण रे खंडा को काटे आ हम देह पाई भी बहुत भलो आ टेस्ट भी फ्लेवर भी भलो बहुत बढ़िया टेस्ट है तो एटा हमर भज्जाटा रेडी हेई गला एतरे आमे टिके लुण पकेबा लुण पके कि याको आमे बंद करि दबा आ पानी रे टिके दबु ताको मु जस्ट 2-3 मिनट छाडी दिए पानी सहित जेतेबेले आमे बाटंती से जे माने बूट डाली हो एटा ठंडा हे थिबा दरकार यस बिकॉज़ जे कोनोसी चटनी रे हां सेटा होची बधे मेन कथा मेन जिंस कि ठंडा हे थिबा दरकार नाही यदि पानी बदल रे आपण बर्फ यूज करतरे टमाटो चटनी हो गला कोकोनट चटनी हो गला ग्रीन चटनी कलर चेंज न हो से पे हमें बर्फ भी यूज करते हैं कौटी गोटे पढ़ी थी कि सुनी थी मु ऑलरेडी चटनी टा बाटिक रखी दे जस्ट प्रोसेस पे आप मन को देखे तो चटनी आमर एठी रेडी मु एबे तैयारी करबी आमर पिठा तापर आम कर प्लेटिंग अल्प टिके तेल देबी बहुत ही अल्प मोर दरकार भी ना तेल कह गले जदि आप नॉन स्टिक रे बनाऊंटी छोट छोट कुनी कुनी पिठा करी बिकज बड़ बड़ मान गोटे गोटे दीदीटा बैट्रे जमी सरीज आईट्रे आम सब जिनस अच्छे तो आम आपको चकुली भाया पूरा पतला पतला तो करें कारण मु प्याज फिज सब पकईचे बहुत बढ़िया बासना आ तो आमर ये पिठा रेडी जाइए चटनी भी रेडी करके रखी से भितर आपण मैंने देखी दिंतु ये सुंदर रेसीपीटी गोटे रिकैप मांडिया चूना चकुली सह चीना बादाम चटनी तैयारी करने प्रथम गोटे बाउल रे गोटे गिना मांडिया चूना गोटे कप दही अधा बाउल कटा प्याज अल्प कंचा लंका अल्प कटा अदा अल्प किछि धनिया पत्र एवं भृसंग पत्र को काटी
ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇ ପାଖାପାଖି 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା ସୋଡ଼ା ପକାଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ପିଠଉ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଚିନାବାଦାମ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇ ଟିକିଏ ଜିରା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2-3 କଲା ରସୁଣ ଏବଂ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଚଟଣି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପିଠଉରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକୁଳି ପକାଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମାଲିଆ ଚକୁଳିକୁ ଚିନାବାଦାମ ଚଟଣି ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ତମ ପାଇଁ ବନେଇଦେଲି, ଆମର ରାଗି ଦୋସା ଆଉ ପିନଟ୍ ଚଟନି। ହୋପ୍ ତମକୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଓକେ 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 ଓକେ, ହିୟର ୱି ଗୋ। ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଏକଦମ ଗୋଟେ ଥରରେ ବାହାରିଗଲା। ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ, ଆଉ କେମିତି କହିବି କୁହ ସତରେ, ବିକଜ ମୁଁ ତ ମିଛରେ ଜମା କୁହେନି। ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଇ ଆମ୍ ଲାଇକ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ମାଇ ଅନ୍ଫିଲ୍ଟର୍ଡ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍, ଆଉ ସେଇଥିଲାଗି ତମେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ତମେ ବି ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ବନେଇକି ଦେଲେ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ବଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। ଆଜିର ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟି ବହୁତ ହି ଟକେଟିଭ୍, ଚଟପଟା ଆଉ ଆର୍ଜେଇଙ୍ଗର ଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।